छत्तीसगढ़ के डोंगरगढ़ में नामदेव समाज के द्वारा आज अपने इष्ट देव नामदेव महाराज की जयंती धूमधाम से मनाई गई। इस मौके पर प्राचीन हनुमान मंदिर महावीर से शोभा यात्रा निकाली गई। श्रद्धालुओं द्वारा जगह जगह पर फूलों के साथ शोभा यात्रा का स्वागत किया गया। नामदेव का जन्म 26 अक्टूबर 1270 रविवार में प्रथम संवत्सर संवत 1327 कार्तिक शुक्ल एकादशी को पंढरपुर में हुआ था। नामदेव जी का पैतृक गांव नरसी ब्राह्मण जी नामक ग्राम था। दामा सेठ और उसकी पत्नी जो कि बुजुर्ग थे ने बच्चे के लिए पूजा अर्चना की तो उनके विकल्प के आशीर्वाद से पंढरपुर में पुत्र की प्राप्ति हुई। किशोर अवस्था में पंढरपुर में ही इनकी ज्ञानेश्वरी जी से भेंट हुई और उनकी प्रेरणा से इन्होंने नाथपंथी विशोभा खेचर से दीक्षा ली, जो नामदेव पंढरपुर के विल्प की प्रतिमा में ही भगवान को देखते थे। वे खेचर के संपर्क में आने के बाद उसे सर्वत्र अनुभव करने लगी। उनको प्रेमा भक्ति में ज्ञान का समावेश हो गया। डॉक्टर मोहन सिंह नामदेव को रामानंद का शिष्य कहते हैं, परंतु महाराष्ट्र में इनकी बहुमान्य गुरु परंपरा इस प्रकार है। ज्ञानेश्वर जी और नामदेव जी ने उत्तर भारत की साथ साथ यात्रा की थी। ज्ञानेश्वर मारवाड़ में कोलायत नामक स्थान तक के नामदेव जी के साथ गए थे। आज पूरे प्रदेश में नामदेव महाराज जी की जयंती मनाई गई, जिसमें बड़ी संख्या में समाज के लोगों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। आज जो डोंगरगढ़ में धर्मनगरी में जयंती मना रहे हैं बाबा साहब को बताया। नामदेव महाराज जी का जयंती हर साल मनाए जाते हैं और 749 वर्ष उनका जयंती का हो चुका है। देश में हर साल नामदेव जयंती मनाए जाते हैं। हमारे डोंगरगढ़ में 19 वर्ष हुआ है। हम लोग भी कंटिन्यू नामदेव जयंती ये समाज का सब सहयोग मिलता है और इसका जयंती मनाते हैं और हमारे नामदेव जी का सबका सुख कामना जो है इसलिए इसका जयंती मनाए जाते हैं। JBD Banquets लाए हैं Incredible Marriage Palace Rajgharana and the finest banquet hall Jyoti Garden. World-class catering, centrally air-conditioned, lush green lawns, state-of-the-art lighting. A perfect venue for wedding, launching and parties. Rajgharana and Jyoti Garden at JBD Banquets Enterprise. ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।